माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, जिम्मेदार बनो और जिम्मेदार बनाओ से शुरू कर रहा हूं। ये मंत्र लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए दिया गया है। संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन के तहत अहमदाबाद के कुछ विस्तारों में कर्फ्यू जाहिर की गई थी। आज संक्रमण रोकने सूरत शहर में जिस एरियाज में संक्रमण बढ़ा है ऐसे 5 पुलिस थाना के क्षेत्रों में कर्फ्यू जाहिर किया गया है। कर्फ्यू आज रात 12 बजे से 22 तारीख को सुबह 6 बजे तक रहेगा। आवश्यक चीज वस्तु मिल सके उसकी सब व्यवस्था की जा रही है। कर्फ्यू को ज्यादा असरकारक बनाने के लिए सूरत शहर को जो पुलिस फोर्स पहले लॉकडाउन के लिए दी गई थी उसके अलावे 2 एसपी, 2 डीवाईएसपी और 3 कंपनी एसआरपी भी दी गई है। सूरत में पहले से ही पैरामिलिट्री की 2 कंपनी और 1 आरएएफ की कंपनी थी जिसका उपयोग भी कर्फ्यू की सख्त अमल के लिए किया जाएगा। जिस जोखिम के साथ पुलिस और आरोग्य विभाग जैसे सरकारी विभागों के कर्मचारी काम कर रहे हैं ये देखते हुए लोगों को भी पूर्ण रूप से सहयोग देने की अपील कर रहा हूं। अभी भी कुछ जगह पे आवश्यक चीज वस्तु की खरीदी के वक्त लोगों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो अंतर नहीं रखा जा रहा है। अहमदाबाद शहर के जिन विस्तारों में कर्फ्यू है वहां दोपहर 1 से 4 के बीच में जो छूट महिलाओं के लिए दी गई है उस समय भी कहीं कहीं पे ध्यान के ऊपर आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग टूटी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कर्फ्यू वाले विस्तार में कर्फ्यू मुक्ति के पास कैसे मिले जाएंगे उसके बारे में पहले पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद ने जान किया है। आवश्यक सेवाओं के साथ जुड़े लोगों को ऐसे पास दिए जाएंगे। पुलिस सभी पास भी चेक कर रही है। कल अहमदाबाद के मणिनगर पुलिस थाने के क्षेत्र में नकली पास बनाने की एक वारदात पकड़ी गई है और उसकी गुनाह दाखिल की गई है। कर्फ्यू वाले विस्तार में ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। अहमदाबाद शहर में कर्फ्यू भंग के 26 गुना दाखिल किए गए हैं और 28 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। लॉकडाउन का अमल करवाने के लिए पुलिस ने जो वाहन डिटेन किए थे उन वाहनों को लोगों को वापस दिए जाने की कार्यवाही चालू है। लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए इस कार्यवाही को ज्यादा तेज बनाने की सूचना दी गई है। अभी तक कुल 31,789 वाहन मुक्त किए गए हैं। आने वाले 3 या 4 दिनों में सूचना दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा वाहनों को छोड़ा जाए। तबलीग जमात के लोगों के द्वारा लॉकडाउन का भंग करने की 2 घटना आज फिर ध्यान पे आई है। भुसावल से जो कार्यकर्ता हिस्सा लेने गए थे गुजरात से उनमें से 2 लोग महसाना और 1 गांधीनगर वापस आया है। इसके आधार पे दोनों जगह पे उनके खिलाफ गुना दाखिल किए गए हैं। उनकी मेडिकल टेस्ट की कार्रवाई भी जारी है। ये शूरा जमात के थे और इनके सामने अब कुल 6 गुना दाखिल हुए हैं। ड्रोन की फुटेज की मदद से कल कुल
278 गुना सीसीटीवी की मदद से कुल 61 गुना दाखिल किए गए हैं और आज तक राज्य में ड्रोन की मदद से कुल 5,839 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 974 गुना दाखिल किए गए हैं। अफवाह और गलत मैसेज के प्रसार करने के मामले में आज तक 306 गुना दाखिल किए जा रहे हैं और 606 लोगों की अटकायत की गई है। एएनपीआर के एनालिसिस से आज तक 98 गुना और वीडियोग्राफर द्वारा किए गए शूटिंग के आधार पर आज तक 121 गुना दाखिल किए गए हैं। थैंक यू।